पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में परी फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा दिल्ली रोड स्थित पार्क स्क्वायर पर ठंडे शरबत का वितरण किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे ट्रस्ट के संरक्षक मयंक गुप्ता ने पूजन कर एवं भगवान को शरबत का भोग लगाकर शुरुआत की। भीषण गर्मी में लोगों ने शरबत पीकर राहत की सांस ली। इस अवसर पर सभी राहगीरों ने कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि भीषण गर्मी में जल का वितरण जरूरी है। इस अवसर पर अंकित चौहान ने कहा कि राजा भागीरथ को अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए गंगा जल की आवश्यकता थी, लेकिन उस दौरान माँ गंगा स्वर्ग में रहती थी। ऐसे में माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा ने धरती पर आने का उनका आग्रह स्वीकार कर लिया, लेकिन परेशानी की बात ये थी कि गंगा माँ का प्रवाह वेग इतना तेज था कि उनके धरती पर आने से पूरी पृथ्वी पर कोहराम मच जाता और दुनिया तबाह हो जाती। ऐसे में माँ गंगा के कहने पर राजा भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करके उनसे माता गंगा को अपनी जटाओं में स्थान देने के लिए कहा और लगभग 32 दिनों तक माँ गंगा शिव जी की जटाओं में बहती रही। इसके बाद ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोली, जिससे माता गंगा का धरती पर आगमन हुआ, इसीलिए गंगा दशहरा मनाया जाता है। शरबत वितरण में उपस्थित रहे राम गुप्ता, मयंक गुप्ता, वनिता मल्होत्रा, आरती शर्मा, राजीव हरी, हरिओम गुप्ता, परीश सक्सेना, जयदेव यादव, विकास गुप्ता, हितेंद्र यादव, संजीव कपूर, अंकित चौहान, भरत दिवाकर, आशु चौहान, हर्ष ठाकुर, निमिष ठाकुर, जितेंद्र सिंह, अजय सैनी के साथ और भी लोग उपस्थित रहे। तरह की सभी को शुभकामनाएं। परी फाउंडेशन की तरफ से होटल पार्क स्क्वायर दिल्ली रोड में एक जल वितरण का, शरबत वितरण का आयोजन किया गया है। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा नाम वनिता मल्होत्रा है। आज परी फाउंडेशन की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से गंगा दशहरा के अवसर पे शरबत वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। आज के दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, उसी सिलसिले में आज ये गंगा दशहरा मनाया जाता है। तो हम लोग वही है, आने जाने भाई को पानी पिला रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं। गर्मी बहुत है तो थोड़ा सा सुकून थोड़ा सा सबको मिलेगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।